एसओजी टीम ने लड़के को छोड़ने के लिए की 5 लाख की डिमांड। मुरादाबाद पुलिस और एसओजी का नया कारनामा, 20 नवंबर की घटना, 21 नवंबर को घटना का खुलासा, 19 नवंबर को पुलिस और एसओजी टीम सोनू वर्मा को ढाया, सीसीटीवी फुटेज वायरल कर इंसाफ की गुहार लगाई है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक ज्वेलर की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में पुलिस के गुड वर्क की पोल खोल दी है। मुरादाबाद पुलिस ने 21 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया था कि 20 नवंबर को हुई लूट की घटना में 2 चेन स्नेचर और 1 ज्वेलर सोनू वर्मा शामिल थे, जिन्हें गिरफ्तार कर उनसे कैश और लूटी गई ज्वेलरी बरामद हुई। पुलिस के इस दावे की हवा आज उस वक्त निकल गई जब पकड़े गए ज्वेलर सोनू वर्मा की मां अनीता वर्मा सोनू की दुकान पर 19 नवंबर के सीसीटीवी फुटेज लेकर एसएसपी मुरादाबाद के ऑफिस पहुंच गईं और दावा किया कि 19 नवंबर को पुलिस की एसओजी टीम उनके बेटे को दुकान पर से उठाकर लाई थी और उसे 20 नवंबर की फर्जी घटना में शामिल दिखाकर जेल भेज दिया। पीड़िता ने सीसीटीवी फुटेज वायरल कर इंसाफ की गुहार लगाई है। घटना का फर्जी खुलासा करने वाले मुरादाबाद के एसएसपी कुलदीप सिंह अब जांच की बात कर रहे हैं। आपको बता दें, पुलिस पर रस्सी का सांप बनाने का आरोप तो अक्सर लगे रहते ही हैं, लेकिन मुरादाबाद पुलिस और एसओजी टीम पर आज एक बुजुर्ग महिला ने जो आरोप लगाया है वो काफ़ी गंभीर आरोप हैं। मुरादाबाद एसओजी टीम पर आरोप है कि एसओजी टीम ने 19 नवंबर की दोपहर 3 बजे थाना कटघर और मंझोला बॉर्डर पर ज्वेलरी की दुकान करने वाले सोनू वर्मा को उसकी दुकान पर से उठाया था और पुलिस ने 21 नवंबर को एक चेन स्नेचिंग की घटना का खुलासा किया और इसमें यह दिखाया कि सोनू घटना में शामिल चेन स्नेचिंग करने वाले आरोपियों से चोरी का माल खरीदता है। पुलिस ने 20 नवंबर को हुई चेन स्नेचिंग की घटना का माल भी 21 नवंबर को गुड वर्क के दौरान बताया था कि सोनू वर्मा ने लूट का सामान खरीदा था। सोनू वर्मा की मां ने आज जो सीसीटीवी फुटेज जारी किया उसमें साफ नजर आ रहा है कि 19 नवंबर को एसओजी की टीम के 2 पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में सुनार की दुकान पर जाते हैं। सुनार की दुकान पर उसकी बेटी बैठी हुई है। सुनार की दुकान में 2 लोगों को घुसता हुआ देखता है तो दौड़कर आ जाता है। इस बीच दोनों लोगों में से एक व्यक्ति बाहर आता है और फ़ोन कर एसओजी की बिना नंबर प्लेट लगी गाड़ी को बुलाता है और उसके बाद सुनार सोनू वर्मा को उस गाड़ी में बिठाकर एसओजी टीम ले जाती है। उसके बाद 20 नवंबर को थाना मझोला क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता की पत्नी के साथ चेन स्नेचिंग हो जाती है। इसका खुलासा अगले दिन 21 नवंबर को मुरादाबाद पुलिस के अपर पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह करते हैं। कुलदीप सिंह बताते हैं कि अधिकारियों के निर्देशन पर अभियान चलाया जा रहा था और अभियान के तहत 3 लोगों को पकड़ा गया है। उनमें सोनू को भी यह कहकर मीडिया के सामने पेश कर दिया कि सोनू ने दोनों बदमाशों से चेन स्नेचिंग में लूटा हुआ माल खरीदा था। सवाल ये है कि जब पुलिस सोनू की को 19 नवंबर को अपने साथ ले आई थी तो 20 नवंबर को हुई लूट का माल में कैसे खरीद सकता था। पुलिस के खुलासे पर सवाल उठने के बाद अब पुलिस जांच कराने की बात कर रही है। मुरादाबाद यूपी से चांद हुसैन की रिपोर्ट। मेरा अनीता वर्मा नाम है। घटना ये हुई, मेरा लड़का तो सर्राफे की दुकान है उसमें बैठा था और ले गए वाले दो, पहले दो आए उसमें दुकान में, फिर गाड़ी बिना प्लेट की और बैठा के ले गए मेरे लड़के को। जयंतीपुर में है दुकान मेरे लड़के की, सर्राफे की। क्या नाम है लड़के का? सोनू वर्मा। फिर क्या हुआ आगे? फिर आगे उसे ले गए थाने में, ले गए वहाँ पर मझोले थाने में ले गए। फिर साहब हमसे कह दी छोड़ देंगे। 6-7 आदमी पकड़े थे, दुकानदार सबको छोड़ दिया, मेरे लड़कों को नहीं छोड़ा। 21 तारीख को हगन पास की घटना दिखा दी कि चोरी का माल खरीद रहे। बताओ जब तुम लेगा तो चोरी का माल कहाँ से खरीद, चोर तो कहाँ से बन गया मेरा लड़का। पैसे की मांग जब तो नहीं छोड़ा मेरा लड़का। अब 5 लाख 5-5, 4-4 लाख दे के गए सब जने। अब हम पे नहीं हुए, हम गरीबी हालत थी। हाँ बोले पैसे लेगा, 5 लाख जब छूटेगा तुम्हारा लड़का। सब पे करिए, सब जगह गए हैं हमने, ऊपर दरका से भी सब भेज दिए हमने, मगर लड़े अभी तक कोई खलोसी ना। सीएम से डीएम से सब में गए हम। आज कौन से अधिकारी से मिलने आए थे? आज हम उनसे और एक ही लड़का है मेरे सब कमाने वाला, उसे भी उठा के ले गए। 2 लड़कियां बहू है, मैं हूँ, मेरा आज भी बीमार रहता। अब मैं कहाँ से करूँ खर्चा? मेरे लड़के ने और मेरे लड़के का करियर बिगाड़ दिया। गाड़ी बिना प्लेट की यही वाली थी, उसमें टीवी और टीवी कैमरे लगना है तो कैमरे में आया। हाँ कैमरे में आ गया, उठा तो वो दिखा वहाँ से रहा अगन पास से कहीं चोरी कर रहा था। दो
दो दिन पहले उठा के 21 तारीख को गलत जेल भेजा और आपने प्रेस वार्ता की थी, क्या है पूरा मामला? जो ज्वेलर का मामला था, ज्वेलर का मझोला पता करना ना, इनको बता दो क्या मामला क्या है। मझोला थाना क्षेत्र का एक ज्वेलर को 19 तारीख को पुलिस ने उठाया, सीसीटीवी फुटेज में आ गया है। 21 तारीख को पुलिस ने एक घटना दिखाई, लूट की प्लानिंग कर दी और 21 में खुलासा किया, जबकि 19 में एसओजी और पुलिस ने उसको उठाया था, वो सीसीटीवी फुटेज में है। और 21 को पुलिस ने खुलासा किया कि ये एक लूट की वारदात को अंजाम देने वाले थे, जबकि 19 से 21 तक वो सुना। इसको देखते हैं क्या मामला, अभी मेरे संज्ञान में देखते हैं इसको क्या, उसके बाद इसकी देखा जाएगा क्या बता रहे हैं। एसओजी पर आरोप है सर, देखते हैं क्या आप जो बता रहे हो उसकी देखते हैं क्या। ज्वेलर की माँ है, वो आरोप लगा रही है कि सीसीटीवी फुटेज है दुकान से ले जाते हुए पुलिस के, और फिर 21 तारीख में पुलिस उसे एक छोटे केस में जेल भेज दे। ठीक है, अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो उसको देखा जाएगा क्या सर। श्रीमान पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के निर्देशन में चल रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान में थाना मझोला पुलिस ने एक बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है और चेन लूटने वाले गिरोह का के लोगों को गिरफ्तार करके उनका पर्दाफाश किया है। इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें विपिन कुमार उम्र 26 वर्ष, पुत्र राम कुमार सिंह निवासी मिलक पंडित नंगला थारा कटघर, अरुण कुमार उर्फ गुंडा उम्र 24 वर्ष, पुत्र आत्माराम निवासी ग्राम धिमरी थाना मझोला, और सोनू उम्र 32 वर्ष, पुत्र कृष्ण अवतार निवासी भदौड़ा थाना कटघर। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन लोगों से पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये सुनसान स्थानों पर जाने वाले व्यक्तियों के चेन स्नैचिंग किया करते थे और उसको वो जो सोनू करके इनका साथी है उसको सुनार है वो उसको बेचा करते थे। तो इनके पास से एक सोने की चेन, 55,000 रुपये नगद और जो घटना ये कारित करते थे उसमें इस्तेमाल की जाने वाली एक अपाचे जिस पे कोई नंबर प्लेट नहीं है इनके पास से बरामद हुई है। इसके अलावा इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है। विपिन कुमार 2014 में थाना बिलारी से लूट के मामले में गया है, अरुण कुमार 2019 में चोरी के मामले में मझोला से गया है, सोनू कुमार का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। और इसमें ये गिरफ्तारी करकर जो एसओजी की टीम और थाना मझोला की टीम ने बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है और इससे निसंदेह जो लूट की घटना हुई है उन पे आगे भी रोक लगेगी और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी।